अब बताइए आप मंजरी हमें कि खालिद अनवर जान साहब से जो सीखने का सिलसिला था वो कैसे शुरू हुआ था और क्या कुछ अलग उन्होंने सिखाया आपको, क्या कुछ आपको एक मेच्योरिटी के लेवल पर अगर बात की जाए तो आप में क्या कुछ उन्होंने खास डेवलप किया एज अ गुरु? खालिद सर हैड हिज ओन कॉम्पोजिशंस, बहुत सारी गजलें कंपोज किए थे उन्होंने और उन्होंने मुझे सिखाया भी, उसके साथ ही साथ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक भी सिखाया उन्होंने। और मुझे आज भी वो बातें याद हैं, वो जो कहते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मैं हमेशा उनकी बातें याद रखती हूँ। वो गाओ बेटा, गाते रहना चाहिए हमेशा, जब भी हम चलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं तभी दिमाग में हमेशा सरगम जैसे पलटे बनाते हैं, उस सब के बारे में सोचना चाहिए, कैसे संगीत को आगे लेके जा सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए, रियाज करते रहना चाहिए। तो ये सारी बातें हमेशा मेरे अंदर ऐसे आती रहती हैं और जब भी मैं कोई कॉन्सर्ट करती हूँ या फिर कोई राग सुनती हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है। और खालिद सर, आई वॉज रियली ब्लेस्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ खालिद सर। वो चाहते थे कि वो इंडिया आए और हमने एक बार स्पेशल परमिशन लेके वो इंडिया लेकर आए थे उनको, और 1 महीने तक वो हमारे साथ, ही वॉज देयर इन केरला, ही लव्स केरला फूड, और उसके बाद वो चले गए वापस लाहौर। ये बहुत साल पुरानी बात है बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लकी दैट आई कुड लर्न फ्रॉम खालिद सर। अच्छा मंजरी, जो मैंने आपके इंटरव्यू में आपकी एक और पहचान दक्षिण भारतीय फिल्मों के हवाले से दी, उसमें मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि आपने इलैयाराजा जैसे प्रतिष्ठित महान कलाकार के साथ काम किया है, इसके अलावा यसुदास के साथ आपने गायकी की है। इन दो, यूं तो और भी इस लिस्ट में नाम जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इन दो बड़े नामों के साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ, दैट इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज टू वर्क विथ सच एमिनेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सच लेजेंडरी म्यूजिशंस, ये सब आई बिलीव दिस इज़ ऑल अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। जैसे इलैयाराजा सर ने मुझे फिल्म म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस किया, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला मुझे। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया, जैसे नोटेशन, कि गाने को नोटेट करके गाना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इनफैक्ट नोटेशन। फिर माइक को कैसे फेस करते हैं और एक एक लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, क्योंकि मैंने अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, और आई डिड नॉट नो दीज लैंग्वेजेस। आई नो मलयालम बिकॉज आई स्पीक मलयालम बट आई डिड नो दी अदर लैंग्वेजेस। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना चाहिए और वैसे एक फिल्म के गाने को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, एक वर्ड को कैसे हम उसमें फील डालते हैं, एक सिचुएशन को, एक गाने को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखा उनसे, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस। तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया है और ओवर द इयर्स दैट हैज़ हेल्प मी अलॉट। वैसे ही येशुदास जी, जो मेरे गुरु भी हैं, मैंने उनसे गाने सीखा है, मैंने उनसे कर्नाटिक क्लासिकल सीखा है, तो वो मेरे गुरु जी हैं और उनके साथ परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सारे स्टेजेस शेयर किए हैं उनके साथ। मेरी पहली जो रिकॉर्डिंग थी स्कूल में थी तब, और इट वाज एन एल्बम उनके साथ, उनका खुद का प्रोडक्शन था और यशोदास जी के साथ गाना था मुझे। तो उस वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं थे और यशोदास जी खुद मुझे सिखा रहे थे कि वो गाना कैसे गाना चाहिए, एंड दैट वाज आई कैन से आई हैव बीन सो ब्लेस्ड, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड में जब हम सीख रहे होते हैं, हमें एक रिकॉर्डिंग मिल जाती है और उसमें साक्षात यशोदास जी, जिनको मैं देवता समान मानती हूँ,
तो वो मुझे सिखा रहे हैं कि ये गाना कैसे गाया जा सकता है और इसको, और मैं बच्ची हूँ, मैं समझने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन बहुत प्यार से समझाया उन्होंने एंड वो गाना रिलीज़ हुआ। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर बट आई वॉज़ इन 8th स्टैंडर्ड और बहुत खुश हुई थी मैं। मुझे मेरी फर्स्ट सीडी रिलीज़ हुई और आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू टेल माई फ्रेंड्स इन स्कूल कि देखिए एक ऐसा गाना रिलीज़ हुआ है। अच्छा मंजरी, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि कर्नाटिक संगीत से शुरुआत और फिर हिंदुस्तानी संगीत में शिफ्ट होना, उन इन इन दोनों शैलियों के बीच जो बैलेंस, जो तालमेल या जो संतुलन की जरूरत होती है, उसके लिए कितना एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है? कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ही अलग अंदाज़ है और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक तो आप जानते ही हैं, उसका अप्रोच बहुत ही अलग है। तो ये जो है, मेरे जो टीचर्स ने मुझे सिखाया है कि इसका कैसे डिफरेंशिएट करके गाना चाहिए, और जैसे कि उस कॉम्पोजिशन को गाते वक्त प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आलाप और सरगम लिए जाते हैं। तो ये अंदाज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए जब हम कर्नाटिक क्लासिकल गा रहे होते हैं, उसमें सरगम का अप्रोच अलग होता है। जैसे भैरव राग है, भैरव को माया मालव गावला कहते हैं इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक, तो सरगम तो सारे सेम ही हैं लेकिन इसका चलन, इसका अंदाज़ थोड़ा अलग होता है। तो इसको समझना चाहिए पहले, और जैसे हम उसको समझते हैं, जिस जैसे ठीक तरीके से अगर हम उसको समझ सकते हैं तो हम गा भी सकते हैं। आई हैव नॉट फेल्ट कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि मुझे हमेशा लगा है कि जब भी हम गाते हैं, कर्नाटिक तो बहुत ही अलग है और हिंदुस्तानी संगीत में जब भैरव गाते हैं वो बहुत ही अलग अंदाज़ का ही गाना है। तो आई हैव नॉट फेल्ट कि ये मिक्सअप हो सकता है कभी। थोड़ा ध्यान दे देंगे तो ईजी है, यू कैन डू इट। रियाज से सब कुछ हो सकता है। मंजरी, लास्ट ईयर आपकी अपनी कंपोज की हुई गजल काफी चर्चा में थी, अब एतबार नहीं, तो उसकी कुछ आप लाइनें हमें जरूर सुनाइए। अब एतबार नहीं, मेरी जा किसी का नहीं, चराग सबके लिए है, धुआं किसी का नहीं, अब एतबार नहीं, मेरी जा किसी का नहीं। मोहित राशिदी साहब का लिखा है और ये जो गज़ल है सूफी स्कोर पर रिलीज़ हुई है। जिन्होंने भी ये गज़ल अभी तक सुना नहीं, जल्दी जाके सुनिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। मंजरी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रागगिरी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे, कुछ नए कंपोजिशंस और हमें सुनने को मिले, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।